there are two locora and how recovery will be done, we will certainly take action as per OPDR. सबडे उग्र रूप धरी गुजरात उपकूल आड़ को मुहांई सामुद्रिक बात्या महा पूर्व केन्द्रीय अरब सागर में सृष्टि होता सामुद्रिक घूर्णिछड़ महा एवं सामुद्रिक बात्यार रूपांतरित रूपांतरित होई गुजरात उपकूल आड़ को मुहांई आसंता 6 तारीख में यह गुजरात उपकूल में स्थलभाग छुईबार संभावना रही गुजरात उपकूल द्वारका एवं डीओ मध्य 6 तारीख राति कि 7 तारीख सका लैंडफल करें यार प्रभाव में 120 किलोमीटर रु अधिक बेगरे पवन बहिबा सह दुई दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा लागि रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग केन्द्र खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में अधिक वर्षा होपे रविवार संध्या सुधा सामुद्रिक बात्या महा गुजरात उपकूल ठार 590 किलोमीटर दूर से रही बोली भारतीय पाणिपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइला और यार प्रभाव में महाराष्ट्र गोवा एवं कर्णाटक समेत गुजरात में आसंता 12 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही समुद्र अशांत रहा समुद्र मध्य प्रबल बेगरे पवन बहिबार भी संभावना रही फल समुद्र मध्य न जावा लगी मत्स्यजीवी मान परामर्श दि जा 6 तारीख की शाम से लेके 7 तारीख तक सुबह तक साइक्लोनिक स्टॉर्म माहा द्यू को हिट करने का प्रिडिक्शन है तो उसके लिए हमने यहाँ पे जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके 8 रेस्क्यू शेल्टर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं हमारा कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है जो 24/7 कोई भी स्ट्रैंडेड रहता है या किसी को कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो वो कंट्रोल रूम में हमें कॉल कर सकते हैं और 8 द्यू में 8 टीम्स बनाई गई हैं जो विद इन 10 मिनट्स ऑफ रिसीविंग अ कॉल वो उस जगह पर वहाँ पे पहुँच जाएंगी फिशिंग की एक्टिविटी सारी बंद कर दी गई है फिशरमैन को वापस बुला लिया गया है कोस्ट पर और बीचेस हमने क्लोज कर दी हैं और वाटर स्पोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं तो ये सब प्रिकॉशंस हम अभी ले रहे हैं ताकि कोई भी अनटूवर्ड हमारा एक्सीडेंट ना हो और हमारा मिनिमम डैमेज से हम इस साइक्लोन से हम आगे उभर पाए आज सीवियर साइक्लोनिक्स का और उसका मैक्सिमम विंड रहेगी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर वो क्रॉस करेगी मिडनाइट 6 नवंबर और अर्ली मॉर्निंग ऑफ 7 नवंबर 2019 और उसकी कारण से गुजरात स्टेट को अच्छी खासी बारिश होने का संभावना है पूरी गुजरात स्टेट में वाइड स्प्रेड रेन रहेगी 6 नवंबर को 7 नवंबर को भी वाइड स्प्रेड रेन रहने का संभावना है भारी से अति भारी बारिश कुछ कुछ जगहों में होने का संभावना है जबरदस्ती खबर को पुणी उपत्यका अशांत श्रीनगर में ग्रेनेड आक्रमण मौलाना आजाद रोड निकट जहांगीर चौक मार्केट रे आज आतंकवादी ग्रेनेड आक्रमण में जनकर मृत्यु हो 15 अधिक लोक गुरुतर आहत होती आहत मान निकटस्थ हस्पिटाल भर्ती कर मृतक होती जड़े उठा दोकानी आज सका बजार खोला था बेले लोके किणाबिका करुले समय विस्फोरण होता सप्ताह मध्य द्वितीय ग्रेनेड आक्रमण घटना यह पूर्व आतंकवादी काश्मीर सोपर शहर में एक बस उपरकु विस्फोरण सामग्री फिंगिबारु 20 जन आहत होइथिले वर्मा मर गया ये बिहारी था बेचारा मुसलमान ये खिलौने बेच रहा था ये ऑन स्पॉट मर गया बसित नहीं पता नहीं और उससे हमको पता नहीं आप ये मेन चौक में वाका हुआ मार्केट पूरा खुला था हर कोई काम कर रहा था तो ये ऑन स्पॉट धमाका हुआ पुणी उपत्यका अशांत श्रीनगर में ग्रेनेड आक्रमण में जनकर मृत्यु होता बेले 15 जन गुरुतर आहत होती मौलाना आजाद निकट जहांगीर छक आक्रमण तबे सप्ताह मध्य द्वितीय आक्रमण यह जहाँ को लेकिन वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी।